पंजाब विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुए मोड़ मंडी ब्लास्ट मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इस समय मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट रमनीत सिंह जोशी, इनसे जानते हैं। जी जोशी जी, आज जो है मोड़ मंडी ब्लास्ट मैटर में सुनवाई थी और फिलहाल तक जो लास्ट डेट थी उसमें ऑर्डर किया गया था उनको स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए। फिलहाल तक SIT की तरफ से कोई स्टेटस रिपोर्ट जो है फाइल नहीं हुई है, कोई इंटीमेशन नहीं है। और जहाँ तक हमें मालूम है उसके जनवरी में जब ये बात सामने आई थी कि डेरा सच्चा सौदा के हेड की इन्वॉल्वमेंट है, गाड़ियाँ वहाँ तैयार हुई हैं और काफ़ी फैक्ट थे जो उनके क्लोज एसोसिएट थे, लोग इन्वॉल्व थे इस मामले में, तो उसके बाद अब 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई है। कोई एफर्ट्स या कोई ऐसे स्टेप्स जो हैं वो निकल के बाहर नहीं आए हैं जिससे पता लगे कि हाँ कोई एफर्ट्स किए जा रहे हैं। अभी तक एक भी अरेस्ट इस मामले में नहीं हुई है। सिर्फ 4 लोगों के जो हैं बयान सेक्शन 164 के अंडर लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद जब से डेरा सच्चा सौदा का जनवरी में नाम आया उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं है। जोशी जी, इसके पीछे वजह क्या है जो अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच आगे नहीं बढ़ी है? देखिए, ये तो अमूमन जो है लोकल गवर्नमेंट्स का और जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, इनका ये रवैया ही रहा है शुरू से। जब डेरे का नाम आ जाता है उसके बाद से जांच ढीली हो जाती है, जांच में कुछ पाया ही नहीं जाता, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है मामला। पता नहीं क्यों प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। इससे पहले रंजीत मर्डर केस में पुलिस की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई थी, लेटर ऑन जब CBI ने इन्वेस्टिगेट किया तो सिचुएशन कुछ और निकली। उसके बाद छत्रपति मर्डर केस में भी यही सिचुएशन रहा है, स्टेट पुलिस की तरफ से क्लीन चिट और उसके बाद लेटर ऑन जब अच्छी एजेंसी जांच करती है तो कुछ ना कुछ निकल आता है। जहां कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होती है, जहां जिसमें आप कह सकते हैं पावरफुल, पॉलिटिकली पावरफुल या पैसे से पावरफुल लोग हैं, तो स्टेट पुलिस का क्यों ऐसा रोल रहता है मुझे समझ नहीं आती कि बार बार रिपीटेडली वो कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं पाते हैं इन सिचुएशंस में। जोशी, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, पिछली विधानसभा इलेक्शन के दौरान पंजाब में 4 दिन पहले इलेक्शन से मोड़ मंडी में मार्केट प्लेस में एक ब्लास्ट हुआ था। उसमें जांच में ये पाया गया था कि IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस यूज़ किए गए थे 2, तो उनमें से एक एक्सप्लोड कर गया था, जिसके एक्सप्लोड होने पे 7 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी, जिनमें से 5 नाबालिग बच्चे थे बेचारे और कुछ 14-15 लोग उसमें घायल हुए थे ब्लास्ट में। उसकी जब जांच की गई है तो उसमें पता लगा है कि ये जो है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस और ये व्हीकल जो है सरसा से तैयार होकर आया था। जोशी, ये डेरे से कैसे मामला जुड़ रहा है ये? देखिए, जो व्हीकल तैयार होकर आया था जिसमें ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो यूज़ किए गए थे इसमें, ये जो व्हीकल था इसकी ये लाल रंग की गाड़ी थी पहले मारुति, इसको जो है पेंट करके कलर चेंज किया गया, उसका पेंट वाइट किया गया और ये जो पेंट हुआ है ये जो एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है डेरा सच्चा सौदा के हेड गुरमीत राम रहीम की, जहाँ पे उनकी VIP गाड़ियाँ तैयार होती हैं, तो उस वर्कशॉप के अंदर इसको जो है पेंट किया गया और तैयार किया गया गाड़ी को। और वहाँ से जो लेके आने वाला अमरीक सिंह है, जो इनके 4 लोगों के बयान लिए हैं SIT ने, उसमें निकल के बाहर आई है अमरीक ने एक्टिव रोल प्ले किया इस गाड़ी को तैयार करने में और व्हीकल के अंदर जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेज हैं उनको फिट करने में। अब अमरीक जो है बहुत क्लोज एसोसिएट है डेरा हेड का, तो और वो मतलब के वहीं में रहता है, वहाँ का साधु भी रहा है, उसका पर्सनल कोई इंटेंशन हो नहीं सकता। दूसरा, जिसके ऊपर ये अटैक किया गया है वो रिश्तेदार है डेरा हेड का, हरमिंदर जस्सी, इनकी रिश्तेदारी है डेरा हेड से, तो यही कैंडिडेट क्यों चूज किया गया और सिरसा में ही क्यों गाड़ी जो है तैयार की गई, इस वजह से थोड़ा सा शक क्रिएट होता है कि कोई ना कोई डेरे की इन्वॉल्वमेंट है। और जब से इन्वॉल्वमेंट बाहर आई है तब से इन्वेस्टिगेशन जो है हॉल्ट कर गई है, कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही है। जोशी जी, अगली डेट कौन सी निर्धारित की गई है? जी, 2 अगस्त 2018 जो है अगली डेट इसकी नियुक्त की गई है और इसमें जो है रिप्लाई फिलहाल तक फाइल नहीं हुआ है, तो रिप्लाई अभी अवेटेड है। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट रमनीत सिंह जोशी, इनका कहना है कि आज मोड़ मंडी ब्लास्ट मामले में सुनवाई थी। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जांच काफी धीमी चल रही है, अभी तक इस मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।
कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।